जो नेक्स्ट फेज है मियोसिस वन की, दैट विल बी मेटाफेज वन. नाउ इफ वी कंपेयर मेटाफेज वन विद द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, सेम इवेंट्स यहाँ पर भी होते हैं. माइटोसिस वन में हमने, सॉरी, माइटोसिस का जो मेटाफेज है उसमें हमने क्या देखा था, जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करते हैं. बराबर है ना? राइट, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? आंसर दो मुझे. तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे यानी मेटाफेज प्लेन पर लाई करते हैं. स्पिंडल फाइबर्स, कंप्लीट फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर्स का, एंड स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स. ये हमने मेटाफेज में देखा था माइटोसिस में. सिमिलर इवेंट्स होते हैं मेटाफेज वन में. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। नाउ स्पिंडल फाइबर्स बिकम मोर डेवलप्ड. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली प्रोफेज वन में शुरू हो चुका होता है. नाउ यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीशन के तरफ आता है मेटाफेज वन में. द टेट्राड्स मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड दे ओरियंट देमसेल्व ऑन द इक्वेटर इन अ सच वे दैट द सेंट्रोमियर्स ऑफ द होमोलोगस टेट्राड्स लाई टूवर्ड्स द होस्ट. इस तरीके से सिमिलर है. दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस का जो मेटाफेज है एंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन, इसमें डिफरेंस क्या है? या वहां पर जो थे वो सिंगल क्रोमैटिड था, नाउ उसको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलने लगे थे. यहाँ पर जो होता है बिकॉज प्रोफेज में टेट्राड फॉर्म होता है मियोसिस में, क्योंकि पेरेंटल एंड मैटरनल दोनों क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं मियोसिस में. उस तरीके का फॉर्मेशन माइटोसिस में नहीं होता है. दैट इज वाई यहाँ पर हमको जो टेट्राड है वो दिखेगा. समझ में आ रहा है ना डिफरेंस क्या है? मैम वो फर्स्ट इसमें कैसे होता? शांति शांति. सी, अभी मेटाफेज में माइटोसिस का मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से एक बार. माइटोसिस में क्या होगा, जो मेटाफेज होती है वहां पर जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल क्रोमोसोम होता है. यहाँ पर पेरेंटल या मेटरनल दोनों फ्यूज होके, मतलब जो सेल होती है वो एन सेल होती है, बराबर है? डिप्लॉयड नहीं होती, हैप्लॉयड यस सेल होती है. तो सिंगल क्रोमोसोम होता है यहाँ पर. बट मियोसिस का हमने स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या देखा था? मियोसिस ओनली डिप्लॉयड सेल में होती है, यानी यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट इज वाई मेटाफेज में मियोसिस में हमको टेट्राड मिलता है, यहाँ पर टेट्राड नहीं होता है. सी, अगर इसी डायग्राम को हमको मेटाफेज वन मियोसिस का अगर दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर और एक क्रोमोसोम निकालना पड़ेगा हर एक का. समझ में आ रहा है? बाकी यस का जो मैम। प्रोसेस होता है एकदम सिमिलर होता है. अगेन यहाँ पर जो बोला वही यहाँ पर आएगा. सी, सिर्फ उन्होंने जो पोल्स है ना वो अलग तरीके से निकाले. जो पहली डायग्राम देखी वहां पर, यहाँ पर पोल थे, दैट इज वाई इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पर आ रहा था. यहाँ पर पोल्स ऐसे है, दैट इज वाई इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पर आएगा. नाउ जो टेट्राड फॉर्म होता है वो टेट्राड जो होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करेंगे. जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स ज्वाइन करेंगे क्रोमोसोम्स को. यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको रिस्पेक्टिव साइड पर वो ज्वाइन करेंगे सेंट्रोमियर के पोजीशन में. समझ में आ गया? यस नाउ ड्यू टू इंक्रीजिंग रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे आर रेडी टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अभी यहाँ पर ऑलरेडी पैचवर्क जो है वो पैचिटिन के स्टेज में हो चुका है. नाउ जब ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स सेम पहले की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा एंड यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है टेट्राड में जो इन्वॉल्व होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो कि अभी होमोलोगस नहीं रहेंगे, पैचवर्क होने के बाद या पैचिटिन के बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस नहीं रहते, क्योंकि वहां पर वेरिएशंस ऑलरेडी आ चुकी होती है. अभी ये जो क्रोमोसोम्स है दे विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. क्लियर है? यस मैम। हम्म,
नाउ ये फोर्सेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो एनाफेज में क्या होगा, दीज विल रीच टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल। यहाँ का जो क्रोमोसोम होगा वो इस पोल की तरफ मूव करेगा, या यहाँ का जो क्रोमोसोम होगा वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, बिकॉज ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो और ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो पोलर फाइबर्स होते हैं वो ज्यादा ज्यादा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे मूव, द क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। दिस विल हैपन इन एनाफेज वन। नाउ इन एनाफेज वन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कैरी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स बाय द स्पिंडल एपरेटस। दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। नाउ इसी प्रोसेस को हम डिसजंक्शन बोलते हैं। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट इन मियोसिस वन। नाउ इस सेंटेंस का हम मीनिंग देखते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं एनाफेज माइटोसिस का, माइटोसिस के साथ। सॉरी, मेटाफेज में जो है ये जो क्रोमोसोम्स है, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ दीज स्पिंडल फाइबर्स दे विल सेपरेट एट द सेंट्रोमियर, राइट। एंड सेपरेट होने के बाद हम उनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोलना शुरू कर देते हैं। एंड एनाफेज में क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव हो जाएंगे। यहाँ पर जो क्रोमोसोम था, सिंगल क्रोमोसोम था, उसमें जो दो क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। दैट इज वाई हमको दो डॉटर क्रोमोसोम्स मिलते हैं, राइट। ये प्रोसेस जो है वो मियोसिस में नहीं होती है, क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, नॉट द क्रोमैटिड्स। सी, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होंगे, क्योंकि हर एक का अलग अलग सेंट्रोमियर होगा। यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, बिकॉज मियोसिस हैपेंस इन डिप्लॉइड सेल, इसके वजह से ये सारे चेंजेस दोनों में जो अलग अलग दिखाई देते हैं वो ये होते हैं। दिस इज अबाउट द एनाफेज वन। दिस इज द रिडक्शनल डिविजन। अभी इसको हम रिडक्शनल डिविजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों पोल की तरफ इक्वल इक्वल अमाउंट में, ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर जैसे डायग्राम दिखाया है, यहाँ पर चार क्रोमोसोम, सॉरी दो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जोम्स है, ये एक सेट है और ये वाला दूसरा सेट है, क्लियर है। नाउ आफ्टर एनाफेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो फोर हो जाएंगे वो, ठीक है ना। मतलब दो ऊपर के सेल में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब जो 2n था वो यहाँ पर n हो गया अभी एक एक सेल में, क्योंकि 1 मिनट, सी यहाँ पर हमको एक सेल मिलेगी डॉटर सेल, और यहाँ पर हमको एक अलग डॉटर सेल मिलेगी जिसमें दो क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है। वेर एज जब शुरू हुआ था तो टोटल जो क्रोमोसोम्स थे वो कितने थे, चार थे, यानी चार का नंबर जो है वो रिड्यूस होके हर एक सेल में अभी दो दो हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज द रिडक्शनल डिविजन, यानी 2n नंबर जो पेरेंट सेल में था वो अभी कन्वर्ट कैसे हुआ है, एक डॉटर सेल में n होगा एंड दूसरे डॉटर में n होगा, इन दिस वे ये टोटल करके 2n होगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ। दैट इज वाई ये जो पहली फेज होती है ना मियोसिस वन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन। रिडक्शन होता है वो एनाफेज में शुरू हो जाता है, क्लियर है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लेना। दैट इज वाई दिस इज द रिडक्शनल डिविजन। द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर कनेक्टेड बाय अ कॉमन सेंट्रोमियर। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है हर एक का यहाँ पर अपना अपना सेंट्रोमियर है,
है, सेंट्रोसोम जो यहाँ पर, सेंट्रोमियर अपना अपना है यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम, ठीक है ना। सो दे आर कनेक्टेड बाय ये जो दो सिस्टर, ग्रीन वाले दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, या रेड वाले दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, येलो वाले दो है, ब्लू वाले दो है, तो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन सेंट्रोमियर। सो इन दिस वे यहाँ पर कॉमन सेंट्रोमियर होगा। बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम आर नाउ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, नाउ बिकॉज यहाँ पर पैचेटिन फेज में जो मिक्सिंग है वो हो चुका है, दैट इज वाई अभी वो होमोलोगस नहीं रहेंगे। Both the sister chromatids of each chromosome are now in different in genetic content. इनका genetic content तो जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं, अगर ये ग्रीन वाला क्रोमोजोम देखते हैं, तो उसका एक जो क्रोमैटिड है वो पूरा ग्रीन है, दूसरा क्रोमैटिड है वो ग्रीन प्लस रेड है। मतलब क्या हो गया, ये होमोलोगस नहीं है अभी, जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। सिमिलरली अगर ये नीचे का कंसिडर करते तो एक वाला क्रोमैटिड जो होगा वो पूरा रेड है, एंड जो दूसरा वाला है वो रेड एंड ग्रीन है, यानी यहाँ पर जेनेटिक डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका है। ये कहाँ पर आता है, पैचेटिन फेज में आता है। क्लियर है ये सेंटेंस का मीनिंग? इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ, और इसी फिनोमेनन को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। दिस रिकॉम्बिनेशन हैपेंस इन द प्रोफेज वन की जो पैचेटिन फेज होती है वहां पर ये रिकॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नाउ टीलो फेज वन सेम टू सेम माइटोसिस का ही है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं होता है। टीलो फेज वन में क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रीचिंग टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव ओरिजिनल सेल डिप्लॉइड थी, अभी एक एक पोल पर जो सेट जाएगा वो हैप्लॉइड होगा, यानी रिड्यूस होकर जाएगा। यहाँ पर 2n था, इस सेल में n और इस साइड पे n जाएगा, दूसरे साइड पर भी n नंबर जाएगा, दैट इज वाई यहाँ पर द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखा है, क्योंकि हैप्लॉइड यानी रिड्यूस हो चुका है, वो हाफ हो चुका है। क्लियर कट। After reaching the respective poles, जैसे हमने टीलोफेज में देखा था माइटोसिस के सेम होता है, अपने अपने पोल पर वो रीच हो जाते हैं, चले जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दे आर डिजॉल्व इन द साइटोप्लाज्म। अगेन जो न्यूक्लियोलस होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रीअपीयर होता है, एंड वी गेट टू डॉटर न्यूक्लियाई इन अ सिंगल सेल। सेम प्रोसेस होगी टीलोफेज में या टीलोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में। द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर रीचिंग द रिस्पेक्टिव पोल दे बिकम अनकॉइल्ड एंड इलोंगेटेड। तो अपने अपने पोल पर आने के बाद ये जो होते हैं वो अनकॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, थ्रेड लाइक दिखने लगेंगे, यानी थिन हो जाएंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर, दस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म। टीलोफेज वन समझ में आ गई? टीलोफेज वन के बाद जो होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आवाज नहीं आया ठीक से मुझे, हेलो। सो आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हैपेंस, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस में सेम प्रोसेस होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डीपनिंग आएगा, फरो फॉर्मेशन होगी, ये जो फरोज होते हैं ये डीप डीप हो जाते हैं, एंड साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो जाता है। एट द सेम टाइम जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के वो भी इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, एंड वी गेट टू डॉटर सेल्स। तो हमको यहाँ पर टू डॉटर सेल्स मिलेंगे। नाउ मियोसिस में टू डॉटर सेल्स जो पहले साइकिल के बाद मिलते हैं दोज विल बी एन इन नंबर, मतलब वो एन होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट जो होगा वो 2n होगा मियोसिस में। आफ्टर मियोसिस वन जो दो डॉटर सेल्स हमको मिलेंगे दोज विल बी रिड्यूस्ड इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ होगा। सो दैट इज वाई ये हो गया यहाँ पर हमारा मियोसिस वन कंप्लीट। समझ में आ रहा है? ठीक है। मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद समटाइम्स ये जो दो डॉटर न्यूक्लिया या डॉटर सॉरी डॉटर सेल्स अभी जो फॉर्म होते हैं वो कभी कभी रेस्टिंग फेज में जाते हैं, अदरवाइज वो रेस्टिंग फेज में ना जाके द
डायरेक्टली मियोसिस टू की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन मेनी केसेस द डॉटर सेल्स पास थ्रू अ शॉर्ट रेस्टिंग फेज और इंटरफेज। इंटरफेज जो हमने सेल डिवीजन के पहले सीखी थी, हर एक सेल इंटरफेज में जाता है। सिमिलरली ये जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो भी इंटरफेज में जाते हैं और डायरेक्टली जो नेक्स्ट मियोसिस टू होता है उसमें चले जाते हैं। इन सम केसेस द चेंजेस ऑफ द टेलोफेज मे नॉट ऑकर, द एनाफेज डायरेक्टली लीड्स टू द प्रोफेज ऑफ मियोसिस टू। सी जब हमने सेल डिवीजन स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने बोला था ये जो भी हमने फेजेस किए हैं कैरियोकाइनेसिस के, 4 फेजेस या कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस वगैरह, ये सारे हमारे स्टडी को इजी करने के लिए किए गए हैं। ये प्रोसेस जो होती है वो डायरेक्टली क्लियर कट, ये जो डिविजन्स या बाउंड्रीज होती है ना हर एक फेज की, वो हमेशा ही दिखाई देगी, ऐसे नहीं है। साइमल्टेनियसली भी प्रोसेस शुरू हो सकती है, दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर। कभी कभी इंटरफेज में चली जाएगी सेल, अदरवाइज कभी कभी टीलो फेज के बाद डायरेक्टली प्रोफेज टू में चली जा सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यानी साइटोकाइनेसिस होगा भी नहीं, कभी कभी साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली एट द एंड ऑफ मियोसिस टू भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि सेल कैसे बिहेव करती है, लेकिन बोथ द केसेस आर नॉर्मल नेचुरल, दोनों तरीके से हो सकता है। वी हैव डिवाइडेड द सेल और सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको हमने हमारे ईज के लिए डिवाइड किया है, सो उतना हमको सिर्फ ध्यान में रखना है। नाउ जो सेकेंड साइकिल होता है, सेकेंड साइकिल नहीं बोल सकते हम उसको, वो कंटिन्यूएशन ही होता है कि मियोसिस वन के बाद जो शुरू होगा दैट विल बी मियोसिस टू। नाउ दिस इज अ होमोटाइपिक डिवीजन। सी हमने जो पहला देखा ना मियोसिस वन में क्या हुआ था, जो भी पेरेंट सेल है वो 2n थी एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस वन हमको 2n डॉटर सेल्स मिले। यहाँ पर जो है रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, माइनस हुआ है, दैट इज वाई ये जो थी वो थी हेटेरोटाइपिक डिवीजन। नाउ अभी ये जो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए आफ्टर मियोसिस वन, ये अगेन साइकिल में जब जाएंगे तो हमको इस एक सेल से दो डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे और इस और डॉटर सेल्स मिलेंगे और इस एक डॉटर सेल से अगेन दो मिलेंगे, जिनमें जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो सेम सेम रहता है, एन 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 सेम रहता है, दैट इज वाई दिस इज अ होमोटाइपिक डिवीजन। समझ में आ रहा है? सो ड्यूरिंग दिस डिवीजन टू हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। नाउ दिस डिवीजन इज अगेन, जो भी डिवीजन के स्टेजेस है या सब फेजेस है वो सेम टू सेम अभी माइटोसिस के तरीके से होंगी। क्यों होंगी माइटोसिस की तरह? क्योंकि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए वो हैप्लॉइड नेचर के, मियोसिस सॉरी माइटोसिस भी जो हमने देखा था वो भी कैसे देखा था, हैप्लॉइड सेल के अंदर। सो सेम टू सेम वही चेंजेस होंगे, कुछ अलग नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन सेकेंड मियोटिक डिविजन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोमोजोमल नंबर फ्रॉम द मियोसिस वन। सो मियोसिस टू के बाद जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं दोज आर सिमिलर टू द डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस वन, एन एन होंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक कंपोजिशन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज होमोटाइपिक डिविजन। नाउ सेम फेजेस है यहाँ पर, प्रोफेज टू सिर्फ ये मियोसिस टू का हम देख रहे हैं, तो दैट इज वाई प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। नाउ फर्स्ट जो होगी प्रोफेज टू में अगेन जो अनकॉइल होते हैं क्रोमोजोम्स टीलोफेज में, उनमें अगेन कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। द क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्ट विद टू क्रोमैटिड्स, कंडेंसेशन होगा, दैट इज व्हाई दे बिकम डिस्टिंक्ट विद टू क्रोमैटिड्स। समझ में आ रहा है? जहां पर समझ में नहीं आ रहा है या जंबल हो रहा है स्टॉप करो मुझे, अगेन री एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो प्रोफेज वन में अगेन रिकॉइलिंग शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन जो क्रोमैटिड्स होते हैं या क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो थिक थिक होने लगता है, वो इतना थिक हो जाता है कि डिस्टिंक्टली हमको टू क्रोमैटिड्स जो होते हैं
वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ईच सेंट्रियोल, अगेन सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ओके, ईच सेंट्रियोल डिवाइड्स इनटू टू, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेंट्रियोल्स विच माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स एंड फॉर्म एस्टर। एस्टर यानी स्पिंडल फाइबर्स, या जो हम स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं उसी को एस्टर भी बोला जाता है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन द सेंट्रियोल्स, तो दोनों सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाएंगे। अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोफेज में डिसअपियर हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। मेटाफेज टू में अगेन जो मेटाफेज प्लेन होता है वहां पर जो क्रोमोजोम्स है वो लाई करेंगे। क्रोमोजोम्स गेट अरेंज्ड एट द इक्वेटर, द टू क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम आर सेपरेटेड बाय द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। नाउ अगेन मेटाफेज टू को अगर हम मेटाफेज किसका माइटोसिस का कंपेयर करते हैं तो सेम होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं होती है। सी यहाँ पर हमने क्या देखा था, ये जो क्रोमोजोम है वो या सेंट्रोमियर की जगह पर ब्रेक हो जाएगा एंड इस तरीके से क्रोमैटिड सेपरेट। सेम प्रोसेस होता है मेटाफेज टू में मियोसिस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सेल होगी दैट विल बी हैप्लॉइड इन नेचर, राइट ना, वो हैप्लॉइड हो जाती है, दैट इज वाई इस तरीके से होगा वो डिवीजन यहाँ पर। सो द टू क्रोमैटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। Some spindle fibers are attached to the centromere. यानी अगेन वहां पर जो spindle fibers होते हैं उनमें contraction की process धीरे धीरे शुरू हो जाएगी and because of that anaphase 2 में क्या हो जाएगा, ये जो chromatids है they will separate at the place of centromere, separate हो जाएंगे and they will be pulled towards the opposite poles. अपने अपने pole पर उनको खींचा जाता है, ठीक है। The separated chromatids become daughter chromosomes and move towards the opposite poles because of the contraction of the spindle fibers. ठीक है, अगेन telophase 2 में क्या हो जाएगा, ये जो नीचे उसका डायग्राम है क्या क्या इजी हो रहा है, अच्छा हाँ। So यहाँ पर see they will reach towards their respective poles. telophase 2 में क्या हो जाएगा, telophase 2 में ये जो sister chromatids है, अभी हम उसको डॉटर क्रोमोजोम बोलना शुरू कर देंगे, ये जो डॉटर क्रोमोजोम्स होते हैं वो अनकॉइल हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट अनकॉइलिंग एंड सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर सिंगल नहीं सॉरी थ्रेड लाइक थिन क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में ये दिखाई देगा। एट द सेम टाइम टेलोफेज टू में क्या होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी रीअपियर हो जाएगा एंड वी विल गेट यहाँ पर इस तरीके से हमको जो दो डॉटर न्यूक्लिया, ये सिंगल सिंगल सेल का चल रहा है यहाँ पर, यानी एक जो डॉटर न्यूक्लिया है विच इज सॉरी डॉटर सेल है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस वन, इसका चल रहा है। तो अगर हम होल सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको चार दिखाई देंगे कि दिस विल बी वन सेल फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस वन एंड अगेन दूसरा सेल भी फॉर्म हो जाएगा, राइट right? तो ये इस तरीके से दिखाई देगा हमको एंड इन दिस वे यहाँ पर हमको टोटली फोर डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। फोर डॉटर न्यूक्लियाई आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज टू होगा, उसके बाद जो होगा दैट विल बी साइटोकाइनेसिस टू एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस हमको क्लियर कट फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस। समझ में आ रहा है, दिस इज मतलब यहाँ पर एंड हो जाता है हमारा मियोसिस का फुल प्रोसेस, यानी मियोसिस वन मियोसिस टू कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से हमको आफ्टर द साइटोकाइनेसिस फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये रीड करने की जरूरत है, एक बार रीड कर, ठीक है। अच्छा तो हम लोग कहाँ तक आए थे, टेलोफेज टू। Now during this stage the daughter chromosomes start uncoiling, the nuclear membrane surrounds the each group of chromosomes and nucleolus again reappears. Cytokinesis mein kya hoga, again wo furrow formation hoga. Cytokinesis occurs after the nuclear division, two haploid cells are formed from each haploid cell.
सो इन दिस वे दो हैप्लोइड सेल्स हमारे पास है एंड हमको चार हैप्लोइड सेल्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस. दस इन ऑल फोर हैप्लोइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. दीज सेल्स अंडरगो फर्दर चेंजेस टू डेवलप इनटू गैमेट्स. तो इन्हीं चार सेल्स से आगे जाके हमको गैमेट्स मिलते हैं. ठीक है, हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मियोसिस ओनली गैमेट फॉर्मेशन के लिए ही होता है. ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज मियोसिस की ध्यान में रखनी है. नाउ एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, फायदा क्या है मियोसिस का. मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जो अभी हमने देखा कि मियोसिस से ओनली गैमेट फॉर्मेशन का ही काम होता है. इफ इट इज एबसेंट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वुड डबल और क्वाड्रुपलेट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉन्स्ट्रोसाइट्स और एबनॉर्मल फॉर्म्स. सी, अगर मियोसिस नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि कोई सेल जो है वो 2n है एंड इसमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, माइटोसिस के तरीके से ही होगा. अभी हमको ये पता है कि जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, गैमेट, सॉरी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है. अगर वो दोनों भी सेल्स, यानी जो आपका 2n+2n ऐसे हो जाएगा ना, फिर वो तो दैट विल बी जाइगोट. जो होगा हमारा वो 4n हो जाएगा. यानी जो स्पीशीज का नंबर होता है क्रोमोसोम का, हमने देखा है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक. तो यहाँ पर तो डबल हो जा रहा है, दैट इज वाई अबनॉर्मल फॉर्मेशन हो सकते हैं, विच इज अवॉइडेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. समझ में आ रहा है, ये जो 2n नंबर होता है ना, वो आगे जाके कॉमन रहता है. क्यों? क्योंकि गैमेट सेल हमेशा एन होती है, तो एन प्लस एन जो होगा वो हमेशा 2n ही होगा. एंड दिस नंबर इज स्पेसिफिक फॉर एवरी स्पीशीज. ये जो होता है वो हर एक स्पीशीज में कंट्रोल करने का काम होता है बिकॉज ऑफ मियोसिस के वजह से. द कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन अ गिवन स्पीशीज अक्रॉस जनरेशन इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस. वही हमने अभी देखा, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर. जो पैचिटिन के फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल होगा वहां पर. एंड इवोल्यूशन में ये जो वेरिएशन होते हैं ना, ये जो एक्सचेंज होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक्स प्लेस, लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशन विच आर द रॉ मटीरियल फॉर इवोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे घर में ही देखते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी, मतलब या हमारा जो भी जेनेटिक कंपोजिशन होगा, उसमें 50% मैटर्नल क्रोमोजोम्स आते हैं, 50% पैटर्नल क्रोमोजोम्स आते हैं. तो हम फिर भी क्या 50% हमारे मदर के जैसे या 50% फादर के जैसे दिखाई देते हैं क्या? नहीं, ये कम ज्यादा होता है, राइट ना? ये वेरिएशन आते हैं. अगर ऐसा, दैट इज वाई जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, मतलब बहन होगा भाई, तो कुछ तो कॉमन होगा लेकिन बहुत कुछ कॉमन नहीं होता है, वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है. नाउ वेरिएशन का कॉज क्या है? मियोसिस के बाद जो जेनेटिक पैचवर्क होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस वेरिएशन, विच इज एक्चुअली रॉ मटीरियल फॉर द इवोल्यूशन. समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज द एक्चुअली एडवांटेज ऑफ मियोसिस. नाउ जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में अलग अलग काइंड के प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक साइक्लिन्स, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर्स, साइक्लोसोम्स, एंजाइम्स, लाइक ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वगैरह प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल. तो ये जो भी एंजाइम्स होते हैं, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेल साइकिल या सेल डिविजन में. दैट इज वॉट, ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखे चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर जो है ना, सेल डिविजन का लेसन है वो हमारा फिनिश हो गया.